नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में शुरू हुए गुलाब तूफान के बारे में। हम जानेंगे आखिर की क्या है और इसकी कैसे शुरुआत हुई है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती गुलाब तूफान का असर अब बिहार में दिखने लगा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही 72 घंटे का अलर्ट जारी किया था। अब तेज हवा के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की भी बात कही है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कई इलाकों में जो है अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून की टर्फ लाइन बीकानेर, कोटा सागर, पेंड्रा रोड, झारसुगुड़ा सागर होते हुए पूर्वी दक्षिणी पूर्व की ओर से गुजर रही है। वहीं चक्रवाती तूफान गुलाब उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर से अग्रसर है। एक चक्रवाती परिसंचरण का भी क्षेत्र उत्तर पूर्वी और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है। वहीं 29 सितंबर तक जो है पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में इसे पहुँचने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। दक्षिणी मध्य दक्षिणी पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य भागों में एक या फिर दो स्थानों पर हल्की बारिश की भी पूर्वानुमान जो है लगाया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट में कहा गया है कि गोपालगंज, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, मधेपुरा जिले के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि सिवान जिला के लगरी, नबीगंज, गोरिया कोठी, बसंतपुर, भगवानपुर हाट, महाराजगंज, दरौंदा, बरहरिया, गुठनी, हसनपुरा, हुसैनगंज, आंदर, दरौली, मैरवा, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, सिवान सदर प्रखंड और मुंगेर जिले के जो है मुंगेर सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, खड़गपुर, टेटिया बम्पर, तारपुर, असरगंज, संग्रामपुर प्रखंड में भी जो है अलर्ट जारी किया गया। वहीं अगर बांका जिले की बात करें तो यहाँ पे जो है अमरपुर, बांका, बाराहाट, बेलहर, बैसी, चांदन, धरौआ, फुल्ली डूमर, कटोरिया, रजौन, शंभूगंज प्रखंड में भी जो है अलर्ट जारी किया गया। इधर अगर हम बक्सर जिले की बात कर लें तो यहाँ भी जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, जिसमें जो है इटाढ़ी, राजपुर चौसा, नावानगर, ब्रह्मपुर, केसठ, चौकी, चौगाई, सिमरी, डुमराव प्रखंड, कैमूर जिला की अगर हम बात करें तो भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर, चांद, रामपुर, दुर्गावती, कुदरा, मोहनिया, रामगुड़, नुआब प्रखंड में जो है अलर्ट जारी किया गया। वहीं अगर हम रोहतास की बात कर लें तो सासाराम, चेनारी, करगरहरा, कोचस, नोखा, डेहरी, अकोढ़ी, गोला, नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू, विक्रमगंज, काराकाट, नासरीगंज, दावत, सूर्जपुरा, दिनारा प्रखंड और फिर भोजपुर जिले में आरा, अभीगाँव, बड़हरा, कोइलवर, उद्वंत नगर, संदेश, सहार, गढ़हनी, पीरो, चरपोखरी, तरारी, जगदीशपुर, बिहिया, शाहपुर प्रखंड के अलर्ट जो है जारी किया गया। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी में यह कहा गया है कि मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर आप खुले में हैं तो आप यथाशीघ्र जो है पक्के मकान में शरण ले लें, वहीं ऊँचे पेड़ या फिर बिजली के खंभे के नीचे ना आए। तो मौसम विभाग ने एक तरह से कह लें कि गुलाब तूफान को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है, कई जिलों में जो है बारिश शुरू भी हो गई है। तो ऐसे में जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आप जो है अगर खुले में हैं तो एक तो पक्के मकान में चले जाएं, वहीं अगर आप ऊंचे पेड़ के नीचे हैं तो आप जो है वहां पे ना रहें, वहां से अलग हो जाएं। और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जो है वज्रपात को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में बिहार जो है अब गुलाब तूफान के चपेट में है और ज़्यादातर जिले जो हैं इसके बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।